हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से ये पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर इन्हेलेशन होता है, एक्सेलेशन होता है, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर में आज समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो होता है नॉस्ट्रल्स। कितने होते हैं नॉस्ट्रल्स? 2 होते हैं। और नॉस्ट्रल्स आगे किस में खुलेंगे? नोज़ल पासेज में खुलेंगे। नोज़ल पासेज यानी कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल्स के बाद क्या देख रहे हैं आप? नोज़ल पासेज है। ये नोज़ल पासेज है। इस नोज़ल पासेज के अंदर क्या होती हैं? इस नोज़ल पासेज के अंदर जो होगा, काफ़ी सारे हेयर होते हैं और साथ ही साथ म्यूकस होता है। हेयर और म्यूकस क्या करते हैं कि वो उस जो नोज़ल पासेज की जो इनर लाइनिंग है उसको वेट रखने का काम करते हैं। जो म्यूकस है वो तो उसको वेट रखने का काम करेगा और साथ ही साथ जो हेयर हैं वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, जिससे कि कोई डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के इनसाइड ना जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, नोज़ल कैविटी, जो नोज़ल पासेज है वो नोज़ल कैविटी में खुलेगा। ठीक, अब जो नोज़ल कैविटी हैं वो किस में खुलेंगी? फेरिंग्स में खुलेंगी। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे होंगे, ये यहाँ पर आप, ये फेरिंग्स है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, यहाँ पर ये फेरिंग्स है। और फेरिंग्स जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो फेरिंग्स है वो किस में खुलेगा? लैरिंग्स में खुलेगा। लैरिंग्स ही वो प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो लैरिंग्स है वो किस में खुलेगा? ट्रेकिया में खुलेगा। ट्रेकिया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया के अंदर क्या होता है? ये ट्रेकिया जो है इसमें कार्टिलेज की रिंग होती हैं। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज की रिंग होती हैं, जैसे कि ये ट्रेकिया है और इस ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज की रिंग इसके अंदर बनी हुई होती हैं, जिससे कि एयर की एब्सेंस में यहाँ पर कोई भी कोलैप्स ना हो। कोलैप्स मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ये जो कार्टिलेज की रिंग अगर यहाँ पर एब्सेंट होंगी तो क्या होगा कि ये जो दोनों, इसके जो पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर आपको ट्रेकिया का दिख रहा है वो एयर की एब्सेंस में चिपक सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होती हैं? कार्टिलेज की रिंग होती हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो ट्रेकिया है वो किस में खुलेगा? ब्रोंकी में, है ना। ये यहाँ पर ऐसे करके इसमें ब्रोंकी में खुल जाएगा, इसलिए आगे जो ट्रेकिया है वो डिवाइड हो जाएगा और ब्रोंकी को बना देगा, तो ब्रोंकी में खुलेगा। अब ये जो ब्रोंकी हैं वो किस में खुलेंगी? लंग्स में खुलेंगी। ब्रोंकी किस में खुलेंगी? लंग्स में खुलेंगी। अब लंग्स के अंदर क्या होंगी? ऐसी और ब्रांचेज आप देखते होंगे, उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकी किस में खुलेंगी? ब्रोंकियोल्स में खुलेंगी। और ब्रोंकियोल्स की यहाँ पर जहाँ पर एंड हो रहा है, यानी कि ये वाला एरिया जहाँ पर ब्रोंकियोल्स का एंड हो रहा है, वहाँ पर आप कुछ छोटे छोटे से अंगूर के से गुच्छे देख रहे होंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहेंगे? एल्वियोलाई कहेंगे। अब जो एक एल्वियोलाई है, हम एक एल्वियोलाई को देखें तो उस एक एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है। वो मेम्ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा पतली होती है। क्यों इतनी ज़्यादा थिन होती है? क्योंकि जिससे कि जो एयर है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस हैं वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाएं और डिफ्यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर यानी कि एग्जिट हो जाए और जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आ जाए। और यहीं पर ये जो एल्वियोलाई है, यहीं पर क्या होती हैं? कुछ ब्लड कैपिलरीज ओपन होती हैं और ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट कर देंगी और ऑक्सीजन को अपने साथ मिक्स कर लेंगी और बॉडी में उसको फैला देंगी। तो यही है पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एक बार और बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर होंगे नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स किस में खुलेंगे? नोज़ल पासेज में। नोज़ल पासेज नोज़ल कैविटी में। नोज़ल कैविटी फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे किस में खुलेगा? फेरिंग्स में, लैरिंग्स में खुलेगा। लैरिंग्स जो है वो भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो आगे किस में खुलेगा? ट्रेकिया में खुलेगा। और लैरिंग्स ही वो प्लेस है जहाँ पर क्या होती हैं? वॉइस बॉक्स होगा। उसके बाद ट्रेकिया जो है यहाँ पर क्या होती हैं? कुछ कार्टिलेज की रिंग होती हैं। ये जो कार्टिलेज की रिंग होती हैं वो क्या करती हैं? कोलैप्स को रोकती हैं एयर की एब्सेंस में। अब अगर वहाँ पर एयर नहीं होगी और एयर ना हो और कार्टिलेज की रिंग भी ना हो तो क्या होगा कि जो ट्रेकिया है वो चिपक जाएगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेकिया किस में खुलेगा? ब्रोंकी में खुलेगा। ट्रेकिया जो है ब्रोंकी में खुलेगा। और ब्रोंकी किस में खुलेंगे? लंग्स में खुलेंगे। जैसे कि ये ट्रेकिया है,
यहाँ पे ये ब्रोंकी बन गई, ब्रोंकी जो है किस में खुल गई, लंग्स में खुली। अब लंग्स से क्या बने, यहाँ पर ये लंग्स के अंदर आ जाती हैं, लंग्स में क्या बनती हैं, और जो ब्रोंकी हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, जिससे क्या बनेगा, ब्रोंकियोल्स बनेंगे, और ब्रोंकियोल्स की एंड पर क्या होंगे, एल्वियोलाई होंगी। एल्वियोलाई कैसी दिखती हैं, कुछ अंगूर कैसे गुच्छे दिखते हैं, और ये जो एक एल्वियोलाई होती है, अगर हम एक एल्वियोलाई को समझें तो ये इसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिससे कि डिफ्यूज़न प्रोसेस अच्छे से हो जाए। डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये क्या होगा कि एयर एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था, हमने किसके बारे में जाना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।